हरे कृष्णा। आज आप लोगों का मैं फिर अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि प्रदोष व्रत क्या है और क्यों इसका लोग व्रत करते हैं, इसका फल कैसे लोगों को मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि कलयुग में प्रदोष का व्रत का बहुत महत्व है। भगवान शिव जी के भक्त श्री सूत जी का कहना है कि जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन उपवास रख कर शिव जी की आराधना व पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी प्रकार का दोष दूर हो जाता है और परिवार में मंगल ही मंगल होता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को पड़ता है। भक्तगण सप्ताह के सातों दिन व्रत रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत को करने से सप्ताह के सातों दिन भिन्न भिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार को प्रदोष व्रत करने से शरीर निरोग रहता है। सोमवार को प्रदोष व्रत करने से इच्छित फल मिलता है। मंगलवार को प्रदोष व्रत करने से रोग से मुक्ति मिलती है। बुधवार को प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएँ की सिद्धि होती है। गुरुवार को प्रदोष व्रत करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शनिवार को प्रदोष व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ प्रदोष व्रत की महिमा क्या है। इसे धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार गंगा नदी के तट पर भगवान शिव जी के भक्त श्री सूत जी ने प्रदोष व्रत की महिमा शनकादि ऋषियों को सुनाया था। भगवान शिव जी के भक्त श्री सूत जी ने कहा, कलयुग में अधर्म की प्रधानता रहने वाली है और मनुष्य धर्म की राह छोड़कर अधर्म की राह पर चलेगा। कलयुग में चारों तरफ अशांति, अन्याय और आतंक होगा। मनुष्य अत्याचारी और अनाचारी बन अपने कर्तव्य से विमुख हो नीच कर्म में प्रयत्नशील हो जाएगा, जिसके कारण धर्म का पतन होने लगेगा। कलयुग में जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन श्रद्धा और निष्ठा से भगवान शिव जी की पूजा व आराधना करेगा, उस पर भगवान शिव जी की स्नेह उमड़ेगा। भक्त की मनोकामना यथाशीघ्र पूरी होगी। भगवान शिव जी की कृपा से भक्त को मृत्यु उपारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी के भक्त श्री सूत जी ने संगादि ऋषियों से कहा, ऋषिगण, यह कथा पूर्व में पहली बार भगवान शिव जी के द्वारा माँ सती के को सुनाया गया था। आज यह पावन व्रत की महिमा और कथा मैं आपको सुनाया हूँ। भगवान भक्त सूत जी ने कहा, महीने के दोनों पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन को प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन सूर्य अस्त के उपारान तथा निशा पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत में गौरी पति महेश की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी में और आप लोगों को बताते हैं इसका कैसे लोग भक्त पूजा करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि प्रदोष व्रत के दिन जो भक्त भगवान शिव जी की उपासना एवं व्रत करते हैं और उन्हें दिन निर्जला रहकर व्रत रखना होता है। अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो कमज़ोर आपका शरीर है तो आप थोड़ा फल फूल ले करके एक टाइम आप व्रत रख सकते हैं। उसमें एक क्या क्या पूजा सामग्री लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। कि प्रदोष व्रत के जो दिन है भगवान शिव जी की प्रातःकाल यानी सूर्योदय होने से पहले आपको जग जाना है। जो पूजा है आपको सुबह में ही कर लेना है और संध्या में बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप से पूजा व अर्चना करना चाहिए। प्रदोष व्रत के करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों के ऊपर बरसाते हैं और उनके जो दुख होते हैं उसको दूर कर देते हैं तथा भक्त मृत्यु के पहले स्वर्ग को लोक को प्राप्त करता है। इस तरह प्रदोष एकादशी प्रदोष व्रत की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोले भगवान भोले शंकर जी की जय, माता पार्वती जी की जय, जय श्री कृष्ण। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कथा अच्छा लगी हो जानकारी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और हमारे सदस्य बने, जिससे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।